इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है और यही युवा शक्ति भारत को 21वीं सदी की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का सबसे बड़ा सामर्थ्य दिखाती है। साथियों, आपने चुनाव का माहौल भी देखा होगा, टीवी पर देखते होंगे चुनाव कैसा चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। साथियों, चुनाव के दौरान मैं कहता था कि बीते 10 सालों में भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों, जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्त। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है, भारत के सुख दुख का साथी।